بسم الله الرحمن الرحيم बहरहाल बैंक का पहली कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा अकाउंट खोलें जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ना मिले, जैसे आमतौर पर करंट अकाउंट होता है उमूमी तौर पर। दूसरी कि उसको आदमी कोशिश करे कि किसी प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद ले, कुछ बैंक में रखने। मकसद अगर आपका यह है कि हमको इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ पर, तो ये मकसद ही गलत है। मजबूरी है कि घर के अंदर नहीं रख सकते, अब सेफ्टी के लिए हमारे यहाँ सेफ्टी के पेश नज़र हमको रखना पड़ता है कि घर के अंदर इतना पैसा हम नहीं रख सकते हैं। अब उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा तो हम क्या करें, इसके अंदर उलमा की मुख्तलिफ राय है। हमारे उस्ताद और बहुत बड़े आलिम मौलाना सफ़ीर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल हो गया, उनकी उनसे एक मरतबा पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि इंटरेस्ट जो है ये कहा खिंजीर है, खिंजीर की तरह जो है वो भी हराम है। खिंजीर गरीब के लिए भी हराम है, मालदार के लिए भी हराम है, इसलिए ना किसी मुसलमान को देना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे शादी ब्याह का मसला, किसी को भी। उन्होंने कहा इसको नहीं देना चाहिए, लेकिन जैसे बहुत सालों के तने गरीब है इसको दे दीजिए, उसकी शादी ब्याह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हर आदमी के लिए खिंजीर जैसे हराम है वैसे भी हराम है। और कुछ दूसरे उलमा की राय है कि अगर ये पैसा मिल रहा, अगर आप छोड़ते हैं बैंक के अंदर, हो सकता है वो पैसा आपके खिलाफ ही इस्तेमाल हो, या दूसरे कमेटियों को या दूसरी तंजीमों को दे दिया जाए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करें। इसलिए बेहतर है कि उस पैसे को आप निकाल लीजिए। अब ख़र्च कहाँ करेंगे, उसकी कई सूरतें। कुछ लोगों ने कहा कि उसको गैर मुस्लिमों में थोड़ा थोड़ा करके तकसीम कर दें, मुसलमान को ना दें, गैर मुस्लिमों को बग़ैर सवाब की नीयत करते हुए दे दें आप उसको, एक सूरत यह। दूसरी सूरत यह है कि बहुत सारे हिंदुस्तान के माशरे माहौल के अंदर के बात कि वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान मुकदमों या जेलों में फंसे हुए हैं, जो मासूम हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं, लेकिन हुकूमतें या पुलिस और बहुत सारे लोगों ने फंसा रखा है, उनको छुड़ाने के लिए, वो रिश्वत देने के लिए और दूसरे वकीलों को देने के लिए उस पैसे को वहाँ इस्तेमाल कर लीजिए। और तीसरी सूरत कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि ऐसी जगहें जहाँ टॉयलेट बन रहा है, रास्ता बन रहा है, सड़क वगैरह बन रहा है, जो आम तौर पर सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उस पैसे को वहाँ जा कर के वो इस्तेमाल कर ले, लेकिन अपने घर के लिए नहीं कि हमारे घर के सामने बन रहा है तब हम उसको इस्तेमाल करें, तो ये स्पेशल हो गया अपने लिए। लेकिन ऐसे नॉर्मल कामन तौर पर जो रास्ता बन रहा है जहाँ पर सारे लोग आए जाएंगे, या टॉयलेट बन रहा है मिसाल के तौर पर, उसके अंदर आप क्या है इस्तेमाल कर लीजिए, तो इसके अंदर क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बहरहाल ये मुख्तलिफ उलमा की अपनी मुख्तलिफ राय है, इसलिए आपको जो आसानी हो मैं समझता हूँ कि इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अल्लाह आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।